नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के रांची से। रांची वासियों के लिए अच्छी खबर, शहर की दो महत्वपूर्ण सड़कें होगी फोरलेन। रांची के लोगों के लिए अच्छी खबर है, रांची की दो महत्वपूर्ण सड़कें फोरलेन होगी। रांची के नवेरी से कोकर चौक, नामकुम और सीमा टोली से मेकाम तक फोरलेन का प्रस्ताव है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों संग बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में निर्देश भी दिया। झारखंड में नियुक्ति नियमावली को मिली मंजूरी, अब झारखंड से मैट्रिक पास युवाओं को नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है, झारखंड में नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही अब झारखंड से मैट्रिक पास युवाओं को ही नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। आप सबको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पारित किए गए। निर्णय लिया गया कि 3 से 9 सितंबर तक मानसून सत्र होगा। लगभग एक साल बाद कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे। स्वस्थ होकर लौटने के बाद जगन्नाथ महतो भी इस बैठक में पहुंचे। 41 साल बाद मिली जीत के बाद झारखंड में चौतरफा जश्न का माहौल। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पदक मिलने के बाद झारखंड में जबरदस्त उत्साह है। लोगों का कहना है कि टोक्यो में टीम को मिले पदक ने मास्को ओलंपिक की याद दिला दी। आप सबको बता दो कि मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य सिल्वानुस डुंगडुंग ने कहा कि वह रात यादगार रही, पूरी रात हम लोग जश्न मनाते रहे। आप सबको बता दो कि 1980 मास्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था। ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम की जीत पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दी बधाई, कहा देश को गौरवान्वित करने का क्या काम। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने जापान के टोक्यो में चल रहे ओलंपिक में पदक जीतने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने टोक्यो ओलंपिक में देश के नाम कांस्य पदक अर्जित करने हेतु अनेकानेक बधाई कामनाएं देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय हॉकी टीम ने एक लंबे अंतराल के बाद ओलंपिक में देश के लिए पदक हासिल कर सर्वत्र उत्साह का माहौल बनाया है। सभी लोग उनके इस उपलब्धि से हर्षित है। इस टीम ने देश को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। झारखंड में ITI में एडमिशन के लिए शुरू हो गया है एप्लीकेशन, ऑनलाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त और संचालित ITI में एडमिशन के लिए झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने एप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टूडेंट शैक्षणिक सत्र 2021-23 में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट का सिलेक्शन 8वीं और 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। झारखंड में मानसून सक्रिय, अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार, आज कई जिलों में होगी भारी बारिश। झारखंड में फिलहाल मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण 8 अगस्त तक राज्य में बारिश हो सकती है। आज गिरिडीह, धनबाद समेत अन्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार सबसे अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तापमान देवघर में रहा, वहीं मानसून आगे भी सक्रिय रहने की उम्मीद है। आप सबको बता दूं कि 5 अगस्त को उत्तर पूर्वी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हुई, वहीं ज्यादा असर गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले में हुआ। आप सबको बता दूं कि झारखंड में मानसून समान रहा, राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। खबर है झारखंड के बोकारो से। झारखंड में बोकारो में अनियंत्रित होकर पिकअप वैन पलटी, खलासी की मौत, ड्राइवर की हालत नाजुक। झारखंड के बोकारो रामगढ़ NH के सिवनडीह कांटा घर के समीप अनियंत्रित होकर पिकअप वैन पलट गई। गाड़ी में फंस जाने के कारण खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं की कक्षा आज से होगी शुरू। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शुक्रवार यानी आज से 9वीं से 12वीं तक की कक्षा शुरू होगी। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। स्कूलों में 4 घंटे की क्लास चलेगी। आप सबको बता दूं कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कक्षा का संचालन किया जाएगा। राज्य में 2,286 हाई स्कूल और +2 विद्यालयों में कक्षा संचालन शुरू होगा। आप सबको बता दूं कि इससे पूर्व दिसंबर में विद्यालय खोले गए थे, लेकिन अप्रैल में फिर से विद्यालय बंद कर दिया गया था। झारखंड के दुमका से। माओवादी गंगा ने दुमका पुलिस और SSB के बड़े अधिकारियों के सामने किया आत्मसमर्पण, 2014 से संथाल परगना में था सक्रिय।
संथाल परगना क्षेत्र में 7 साल से सक्रिय 27 वर्षीय माओवादी गंगा प्रसाद राय ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसने अपनी राइफल के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल और एसएसबी के डीआईजी टी शेरिंग डोरजाई के सामने सरेंडर कर दिया। गंगा कुख्यात नक्सली कमांडर तालादा और उसके बाद विजय दा के दस्ते का सक्रिय सदस्य रहा। काठी कुंड के ऊपर सरवा पानी गाँव के गंगा को आत्मसमर्पण करने पर सरकार की पूर्णवास नीति के तहत तत्काल 1 लाख का चेक दिया गया। बाद में अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। अभी उसे न्यायिक हिरासत में केंद्र जेल भेज दिया गया है। बाद में हजारीबाग खुली जेल भेज दिया जाएगा।